बिहार के कामठी इलाके से लाइव आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, जब फेसबुक लाइव करने के दौरान एक विवाहित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान कामठी निवासी कृतंक सिद्धार्थ डोंगरे के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक कृतंक शादीशुदा था और संयुक्त परिवार में रहता था। उसकी पत्नी घर चली गई थी, जबकि उसकी माँ भी गांव से बाहर थी। पिता और भाई बहन अपने घर नागसेन नगर चले गए थे। कृतंक घर में अकेला था। 4 अप्रैल को कृतंक ने आधी रात के बाद 12:30 बजे अचानक फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने नए कपड़े पहने, माथे पर टैटू बनवाया और फिर घर के बेडरूम में सीलिंग फैन पर पर्दा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने क्या कह रहे हो दोस्तों कहते हुए कुछ इशारे किए और फिर अपने माथे पर लगे निशानों को पोंछा। उसने पास के ग्लास में भी लिक्विड फेंका और फिर सिलाई मशीन पर चढ़कर फांसी लगा ली। यह फेसबुक लाइव करीब 41 मिनट तक चलता रहा। उनके आत्महत्या करने का स्वरूप सुबह में ही पता चल गया था। उसका आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बता दें कि कृतंक ने अपनी पत्नी के फेसबुक अकाउंट से लाइव कर आत्महत्या की। इसी तरह कृतंक ने यह भी पोस्ट किया कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। आधी रात होने के कारण जो लोग उसके संपर्क में थे उन्होंने भी इस तरह के लाइव पर ध्यान नहीं दिया। उनका परिवार काफी सदमे में है। पिता द्वारा दी गई सूचना पर नवीन कमर थाने में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। सदर प्रकरण असा आहे की आम्हाला कंट्रोलचा कॉल आला होता। कंट्रोलने माहिती दिली की सुसाइड झालेली आहे, त्या ठिकाणी आपण पोहोचलो। त्या अनुषंगाने आम्ही स्टॉपवर लगेच त्या ठिकाणी गेलो आणि बघितले तर कुंभारे कॉलनीतला एक युवक ज्याचं नाव कृतंक सिद्धार्थ डोंगरे, वय 27 वर्ष, मजुरीचे काम करायचा, हा पती आणि पत्नी असे एकत्र राहत होते। त्यांच्यामध्ये किरकोळ वाद झाला होता आणि त्या किरकोळ वाद झाल्यावरून पत्नी माहेरी निघून गेली होती आणि पत्नी माहेरी निघून गेल्यामुळे सदर युवकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती। आम्ही आजूबाजूला विचारणा केली। सदर विचारणा केल्यानंतर त्या ठिकाणी मृतकाची पत्नी आणि साली आलेले होते। मृतकाच्या सालीने आम्हाला माहिती दिली की सर याने व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवलं होतं आणि हा फेसबुक लाईव्ह होता आणि फेसबुक लाईव्ह करून याने सुसाईड केलेला आहे। त्यानुसार आम्ही सदर सालीचा मोबाईल घेतला आणि त्याच्यामध्ये बघितलं असता सदर युवकाने त्याच्या फेसबुक लाईव्ह करून त्याने सुसाईड केलेलं होतं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN News, नागपूर।